पणस सरीजा आगर पणसर यह रेसीपी को थी मात्र घरे निश्चित तैयारी करूँ। आशा आपन को बहुत पसंद आसीबो पणसर कुर्मा। थरे तरकारी बनेकी देखंतु आ तापर मते वीडियो रे कमेंट बॉक्स रे जणेबे आपनकर रेसीपी केमती लागिला। तबे डेरी न करी चालंतु स्टार्ट करनबा आज एक खास रेसीपी को। आमको ये किसी पियाज दरकार। मुझे दुईट बड़ साइज पियाज को एकदम पतला पतला स्लाइस रे काटि नहीं भांगी नजे जाद्वारा आमर जो पियाजटा भाजवा भल भाव क्रिस्पी होड हो भाजी हे। ये पियाजे मुझे गोटे छोट चमच चीनी मिसी दौर चीनी मिसेकी भल भाव पियाज को एमती दलिला चकटिला टाइप रे गोल नवा जाद्वारा चीनी सब पियाजे लगिज। एबे कड़ी गरम करके पियाज को प्रथमे भाजी नबा एकदम गोल्डन हेला पर्यंत भाजीबा। पियाज भाजिकी बाहर कर सल्ला परे से तेल रे मु किछि आलू को भाजी नौची। आ पणस को अपन गोटे होइसल देकी मीडियम फ्लेम रे सिजे नेबे। आ ता परे पणस को मध्य आमे एमती तेल रे भाजिकी बाहर कर नबा। मीडियम फ्लेम रे गोटे हुईसिल देकी पणस को सीझे ता सहित लुण आउ हलदी पकईने आ जो कस पा बाहरी थाए से बाहर कर नवा। पणस को नाली नाली करके भाजिकी बाहर कर सारापर मुठ गोटे सुखिला लंका नहीं सहित दुई तीन टी गुजराती देदेच गोटे चमच जीरा सहित गोटे बड़ चमच धनिया गोटा धनिया दौर कि लवंग गोलमरीच खंडे डालचीनी आ तेजपत्र अदा रसुण देकी अल्प अल्प पानी देकी एकदम चिकन करके पेस्ट बनईकी रखने साइड रे। एबे जीवा तरकारी बनवा प्रोसेस को कड़े गरम हो गला सोरस तेल। सोरस तेल जगह आप रिफाइन तेल नहीं पारे। आउ गोटे मसला मुझे प्रिपेयर करछी गोटे कप दही रे गुंड मसला को देकी गुंड मसला रे धनिया गुंड मुझना जेहेतु आम गोटा धनिया ग्राइंड करधा छोट चमच जीरा गुंड सहित लंका गुंड आउ हलदी गुंड देकी एकदम ताको फेंटी ने भल भाव मिक्स करने दही सहित जद्वारा दही आउ छिड़ी बनी फाटी बनी आम जितेबाला तरकारी मसलारे पकवा। यही तेल गरम हो गला परे जीरा फुटे नौची। जीरा फुटी गला परे आम जो मसला को ग्राइंड कर रखी थे से मसला को देद। एबे मसला को लो रु मीडियम फ्लेम करके भल भाव भाजवा जत पर्यंत मसला रु कंचा स्मेल बाहरी न जाए। गोले की रखी दही रो मसला को दे दोची आउ से किछि पानी दे दबा। मसला को एबे कवर करके भल भाव कसिबा जत पर्यंत मसला रु तेल न छाड़ी जाए। सब बेले दही पकई सल्ला परे लो रु मीडियम फ्लेम करके कसिबे जाद्वारा दहीटा फाटिबनी आ मसला भल भाव मिक्स होल भाव कषि कवर करके कसवा द्वारा मसलार भल स्मेल रही था तरकारी रे आ मसला जल्दी कुक हो जाए। पखापाखि पाँच रु सात मिनिट पर्यंत मुझे मसला को कसी। एबे देखंतु मसला कड़ई छाड़ी आसलानी आ चारिपटू तेल बाहरी आसलानी। एबे दे दबा भाजिकी रखी पणस कठा आउ आलू को आलू आ पणस कठा को मसला रे भल भाव कसिबा। एहा देखियापई जेतेबेला हमर फाइनल लुक आसीबना तरकारी रे एकदम चिकन रो ग्रेवी भले देखा हबो। सेथिपई मु आलू को मध्य सेमती चिकन रे जेमती बड़ बड़ पीस आलू पका हुए सेमती ही पकेची। रेसिपी भल लगुले चैनल को सब्सक्राइब करने एमती नुआ नुआ रेसीपी देखापी आउ मो वीडियो को लाइक करने भूल। एबे आम आउ गोटे मसला प्रिपेयर करवा से मुझे काजू को भाजी नहीं जो पियाज को भाजिक रखी थे से सब कु ग्राइंडिंग जारे देदबा। आउ पानी ये बिलकुल भी आड करें सुखिले एमती ग्राइंड करने पणस कठा आउ आलू को मो पाखापाखि पांच मिनिट पर्यंत कसी सारे। एबे एठी देख दोची गरम पानी। गरम पानी ही आड करिबे ठंडा पानी आड करिबे नी। पानी जेतेबेले भल भाव फुटी आसीबो आमे जो भजा पियाज आ काजू रो पेस्ट बने के रखी थिले ताकु दे देबा। एबे ए पेस्ट कु देला परे भल भाव गोले ने कि लो फ्लेम रे पाखा पाखी पांच रु सात मिनिट पर्यंत पुणी बसई नबा। मसला को सब बेले जेते अधिक समय कसिबे सेते तरकारी रो स्वाद भलो आसी थाए। पांच रो सात मिनिट लो फ्लेम रे बसे सल्ला परे
आमर तरकारी ग्रेवी एकदम परफेक्ट रहिबो आउ फाइनल लुक देखंतु केते यमी देखा जाउची ना चिकन मसला भलिया आपण थरे ट्राई करंतु केमति लागिला मते जणैबे पुने देखाबो नुवा वीडियो सहित नुवा रेसिपी सहित। थैंक यू।